Shalom. Hallelujah. भाई बहनों, आज का विषय है प्रभु यीशु बोलता है मत्ती 5:15, पढ़ेंगे मत्ती 5:14-15। तुम जगत की ज्योति हो, पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीवट को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। उसके बाद यूहन्ना 8:12 में प्रभु यीशु बोलता है, पढ़ेंगे यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। देखो भाई बहनों, एक बाजू प्रभु यीशु बोलता है मैं हूं ये जगत का ज्योति, और दूसरे बाजू बोलता है तुम है ये जगत का ज्योति। अभी आज हम ये सीखेंगे ये ज्योति क्या है। हम कैसा ज्योति बनेंगे, तो उसके लिए हम आज का जो वचन है वो यूहन्ना 13:34-35। निकालेंगे यूहन्ना 13 का और पढ़ेंगे 34-35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से सुप्रीति रखो जैसे मैंने तुमसे सुप्रीति रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से सुप्रीति रखो। यदि तुम आपस में सुप्रीति रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यह प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस समय आज जो हमको सीखने मिलने वाला है प्रभु का सच्चाई, उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमको ये वचन के द्वारा हमारे दिल से बात करेगा। यहाँ पर पिताजी जो हमको सिखाएंगे उन पर अभिषेक होने के लिए, और ये सच्ची में वचन जिस मकसद के लिए हमको मिलेगा वो पूरा होते हुए लौटने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु यीशु। ये वचन प्रभु जो सच्चाई हमने पढ़ा, हम मांगते प्रभु ये वचन के द्वारा आज तू हमारे दिल से बात करना, हमारे जीवन का अंधकार को प्रभु तू आपके वचन के ज्योति से भर देगा। इसलिए धन्यवाद देते प्रभु इस समय, खास करके पिताजी पर आपको अभिषेक उंडेल देना। प्रार्थना करते उनका पूरा ताबा लेना, हर एक शब्दों में उनके जो सोच विचार में हर एक बातों पर आपका अभिषेक, आपका प्रकाशन का आत्मा उंडेल देते, ऐलान करते प्रभु आप उनका दावा दोगे, और सच में आज का संदेश प्रभावशाली और असरदार होगा और लोगों के हृदय को छीदेगा। इसलिए धन्यवाद करते प्रभु पूरा। प्रभु हमारा ये प्रभु रिकॉर्डिंग का आपने ताबा लिया, अभिषेकित किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। भाई बहनों, पवित्र आत्मा का दो बातें हैं, एक है नव आत्मिक दान और दूसरा है नव फल का प्रकार पवित्र आत्मा का। अभी हर एक प्रभु यीशु मसीह का शिष्य को दोनों ही बातों का बहुत जरूरी है।
एक बाजू है प्रभु का दान, दूसरा है प्रभु का फल। अभी हम पढ़ेंगे ये दानों के बारे में, एक कुरिंथी 12 का 8 से लेके 10 तक पढ़ेंगे। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि का वचन और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान का वचन दिया जाता है। किसी को उसी आत्मा से विश्वास का तथा किसी और को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के कार्यों की शक्ति और किसी को नबुवत करने, किसी को आत्माओं की परख, किसी को विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान दिया जाता है। देखो भाई बहनों, वरदान हम कमा नहीं सकते, वो दिया जाता है और ये तात्पुरते हैं। अभी देखेंगे पवित्र आत्मा का फल, गलती 5 निकालेंगे, गलातियों 5 और पढ़ेंगे पद 22 और 23। परंतु पवित्र आत्मा का फल सुप्रीति, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्ववासता, नम्रता व संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध कोई नियम शास्त्र नहीं है। जो फल है वो उसका सिंचाई करना पड़ता है, उसका खेती बाड़ी करना पड़ता है ताकि ये फल, ये पेड़ फल उत्पन्न करे और ये फल आगे बढ़े, बढ़ोती हो। फल जो है वो स्थाई है। प्रभु का वचन बोलता है वरदान खत्म हो जाएगा लेकिन फल हमेशा के लिए रहेगा। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 13 पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 13 पद 8 और पद 13। पद 8, सुप्रीति कभी मिटता नहीं, नबुवते हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी और ज्ञान हो तो लुप्त हो जाएगी। पद 13, पर अब विश्वास, आशा, सुप्रीति ये तीनों स्थाई है, परंतु इनमें सबसे बड़ा सुप्रीति है। देखो भाई मैंने गलतमी में सुप्रीति पहला नंबर है और यहाँ प्रभु का वचन बोलता है कि सुप्रीति सबसे बढ़कर है। तो आज हम ये सुप्रीति के बारे में देखेंगे, ये फल क्या है और उसका महत्वपूर्णता और आवश्यकता हम समझेंगे। यूहन्ना 13:34-35 पढ़ेंगे 13:34-35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से सुप्रीति रखो जैसे मैंने तुमसे सुप्रीति रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से सुप्रीति रखो। यदि तुम आपस में सुप्रीति रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। देखो भाई मैंने परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 आज्ञा दिया था,
और उसके बाद यहूदी धर्म में 613 आगे आते हैं। लेकिन जब ये प्रभु यीशु मसीह आ गया, उसने बोला मैं तुमको नया आज्ञा देता हूँ, ये है तुम्हारा पड़ोसी का और एक दूसरा का आपस प्रेम करो। वो जो नया आज्ञा है वो इतना महत्वपूर्ण है और इतना शक्तिशाली है कि प्रभु का वचन बोलता है वो एक आज्ञा का पालन हम करेंगे, समझो तुमने पूरा जो नियम शास्त्र है उसका पालन कर चुका है। तो ये दूसरी बात है कि ये जो सुप्रीति है ना, वो शिष्यत्व का एक परीक्षा है। मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरा दुनिया को ये हक दिया है, उसका शिष्य जो है उनका न्याय करने के लिए कि उनका जीवन सुप्रीति का जीवन कैसा है, उसके द्वारा पूरा दुनिया सब लोग जानेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है वो नहीं है। तो इसका सुप्रीति का महत्व आप समझना। ओके, उसके बाद रोमी 13:8-10 पढ़ेंगे। रोमन्स 13:8-10 परस्परिक सुप्रीति के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में किसी के कर्जदार न बनो, क्योंकि जो पड़ोसी से सुप्रीति करता है उसने नियम शास्त्र को पूर्ण किया है। इस कारण न तो व्यभिचार करना, न हत्या करना, न चोरी करना, न ही लालच करना, और इनके अतिरिक्त यदि अन्य और कोई आज्ञा हो तो सब का सारांश इस कथन में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान सुप्रीति रख। सुप्रीति पड़ोसी की बुराई नहीं करता, इसलिए सुप्रीति करना नियम शास्त्र को पूर्ण करना है। देखो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलते हैं तुम किसी का ही उदारी में रहना मत, हमारा उदारी एक ही होना चाहिए कि हम एक दूसरा का प्रेम करें। भाई बहनों समझ लो, ये हम एक दूसरा का सुप्रीति करना कितना जरूरी है, वो सबसे बड़ा एक खर्चा है, सबसे बड़ा। जब भी हम सुप्रीति करने के लिए तैयार नहीं है किसी कारण के लिए, ये भाई बहने मेरे ऊपर अपराध किया, मुझे बहुत चोट पहुंचाया, ये वो कुछ भी रहता है, मेरा दिल बहुत दुखाया, लेकिन हम ये भाई का और ये बहन का हम क्षमा करते हुए उसका सुप्रीति नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर एक बहुत खर्चा होता है और हम कर्जदार होता है। तो बाद में प्रभु का वचन बोलता है कि जिसने उसका पड़ोसी का सुप्रीति किया उसने पूरा नियम शास्त्र का पालन किया। उसके बाद बोलता है तू व्यभिचार ना करे, तुम खून ना करे, चोरी ना करे, तो लालच ना करे, और दूसरा कोई और आज्ञा है तो वो सब कुछ एक बात में हम उसका
संरक्ष कर सकता है, तू तेरा पड़ोसी का आपस प्रेम करो। भाई बहनों, इतना शक्तिशाली सुप्रीति है कि हमको हर एक पाप के ऊपर विजय मिल सकते है। ये नियम का हम पालन करेंगे तो बोलता है सुप्रीति पड़ोसी को कोई गलत नहीं करते, इसलिए सुप्रीति पूरा नियम शास्त्र का एक एक वो पूरा होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे गलती 5-6 पढ़ेंगे। गलेशियंस 5:6, मसीह यीशु में ना खतने का कुछ महत्व है और ना खतना रहित होने का, पर केवल विश्वास का जो सुप्रीति द्वारा होता है। होता नहीं है, इट इज एक्सप्रेस्ड, वो दिखाया जाता है, वो साबित होता है सुप्रीति के द्वारा। देखो भाई बहनों, प्रभु का वचन जरूर बोलता है कि विश्वास का बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हर एक बातों में विश्वास आता है, लेकिन विश्वास का क्या बोलते हैं, सबूत क्या है? प्रभु का वचन बोलते हैं सुप्रीति। जब भी हमारा दिल में सुप्रीति नहीं है और हम सुप्रीति का जीवन नहीं जी रहे, इसका मतलब क्या होता है, इसका कंक्लूजन क्या होता है, निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष क्या होता है? ये व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं है। हमको इतना आसान हो गया आज बोलने के लिए, मेरे पास विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। प्रभु का वचन खुद बोलता है विश्वास है तो दिखाओ, कैसा? सुप्रीति के द्वारा। याकूब में भी वही लिखा है, पढ़ेंगे याकूब 2:15-17 तक। यदि किसी भाई या बहन के पास कपड़े ना हो और उन्हें प्रतिदिन के भोजन की आवश्यकता हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से चले जाओ, गरम और तृप्त रहो, पर उन्हें वह वस्तु न दे जो उनके शरीर के लिए आवश्यक है, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि उसके साथ कार्य ना हो तो अपने आप में मृतक है। शलोम। हालेलुया। तो भाई बहनों, अभी हम सब लोग पकड़ जाएंगे, विश्वास 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 करते हैं, मुझे विश्वास है। प्रभु का वचन बोलता है जिधर विश्वास है और सुप्रीति नहीं है, वो विश्वास बिल्कुल व्यर्थ है, कुछ फायदा का नहीं है। ठीक है, उसके बाद 1 तिमोथी 5:1-6। 1 तिमोथी 5:1-6 पढ़ेंगे। किसी वृद्ध को कठोरता से न डांट, वरन उसे पिता जानकर समझ। युवकों को भाई, वृद्ध महिलाओं को माता और जवान स्त्रियों को बहन जानकर पूर्ण पवित्रता से समझ। उन विधवाओं का आदर कर जो वास्तव में विधवा है। यदि किसी विधवा के बेटे बेटियां या नाती पोते हो तो उन्हें चाहिए कि सर्वप्रथम अपने परिवार के प्रति भक्ति का व्यवहार करें और अपने माता पिता को उनके उपकार का बलिदान दें, क्योंकि इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। वह जो वास्तव में विधवा है और अकेली है, केवल परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन निवेदन और प्रार्थना में लवलीन रहती है।
परंतु वह जो भोग विलास में पड़ गई है जीवित होते हुए भी मृतक है। आठ पद आठ, परंतु यदि कोई अपने लोगों की और विशेषकर अपने परिवार की देखभाल नहीं करता तो वह अपने विश्वास से मुड़कर मुखर गया और एक अविश्वासी से भी बदतर हो गया है। भाई बहनों, इसका मतलब एक ही है कि पौलुस बोलना चाहता है कि कलीसिया में एक चीज के ऊपर हमने जोर डालना है, लोगों को ये सिखाने के लिए कि सचमुच तुम्हारे अंदर विश्वास है प्रभु यीशु की ओर और प्रभु यीशु के साथ तुम्हारा प्रेम है, सुप्रीति है, तो ये सुप्रीति हमको हमारा जीवन में साबित करना जरूरी है। मतलब सेवकाई किस तरीके के होना चाहिए, लोगों को ये सिखाने के लिए कि जैसा तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो विश्वास तुम्हारा एक दूसरे की ओर सुप्रीति दिखाते हुए होना जरूरी है। शलोम। तो भाई बहनों, क्या होता है, बहुत बार ये गलत फहमी हमको होता है कि चर्च का मतलब क्या है, बहुत लोगों को इकट्ठा करने का, तो तभी हर एक पास्टर, हर एक प्रचारक, हर एक लीडर खुश होता है, देखो मेरा चर्च में इतना सारा लोग आते हैं। भाई बहनों, लोगों को कलीसिया में लाना आसान है, उनको प्रार्थना सभा में भेजना आसान है, वचन सिखाने में भी बहुत सारा लोग आता है, लेकिन इनका दिल में सुप्रीति का जीवन जीने के लिए सिखाना ये कठिन है। तो इसका मतलब है हम समझना चाहिए कि जब तक हमारा बीच में लोग एक दूसरे का प्रेम नहीं करते हैं तो ये लोग अविश्वासी है, प्रभु का शिष्य नहीं है। अभी हम ये सीखेंगे सुप्रीति का स्वभाव क्या है। हम जानते हैं कि जो इंग्लिश में लोग और हिंदी में लोग लव, प्रेम, प्यार, मोहब्बत बोलते हैं, वो प्रभु का वचन के अनुसार चार तरीका का होता है, जो मैंने एक बार तुमको सिखाया। एक है इरोस, जो है लैंगिक प्रेम, दूसरा है स्टोर्गे, जो परिवार का बीच में होता है प्रेम, उसके बाद है फिलेओ, वो जो प्रेम है दोस्तों का बीच में, और चौथा है अगपे, सुप्रीति। ये है अगपे, सुप्रीति है एक बहुत पवित्र, महत्वपूर्ण और सब दूसरा जो प्रेम है उनसे बढ़कर है। क्यों क्यों ये सुप्रीति जो है अगपे सुप्रीति, वो कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, उत्पादन नहीं कर सकते, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन इंडिया, ये बिल्कुल मेड इन हेवन। इसलिए ये जो सुप्रीति है वो हम अनुग्रह का तौर से परमेश्वर हमको देता है, हमारा नया जन्म हम पाते हैं तभी, ये संसार में नहीं मिलता है, कौन सा ही दुकान में नहीं मिलते। क्यों, ये निस्वार्थी प्रेम है, शुद्ध प्रेम है और स्थाई प्रेम है।
ठीक है। तो भाई बहनों, हम ये सीखेंगे कैसा ये सुप्रीति उत्पन्न कैसा होता है। ओके, एक योना 4:7-8, 1 John 4:7-8 पढ़ेंगे। प्रियो, हम आपस में सुप्रीति करें, क्योंकि सुप्रीति परमेश्वर से है। प्रत्येक जो सुप्रीति करता है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और परमेश्वर को जानता है। वह जो सुप्रीति नहीं करता परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर सुप्रीति है। तो भाई बहनों, इसके द्वारा हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारा आंखें खोल देगा। आज जो हम चलाते हैं ना भाई बहनों, वो धर्म है। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का मार्ग नहीं है, सिर्फ धर्म है। तो प्रभु का वचन इतना तक बोलता है कि ये सुप्रीति परमेश्वर की ओर से है और हर एक जन जिन्होंने नया जन्म पाया है और जो परमेश्वर को जानते हैं उनको ही ये सुप्रीति दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? वचन आगे बोलता है, वह जो सुप्रीति नहीं करता परमेश्वर को नहीं जानता। क्यों? परमेश्वर प्रेम है, सुप्रीति है। मतलब ये जो संबंध है वो इतना गहरा संबंध है कि तू, तेरा अंदर सुप्रीति नहीं है, तू परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर का प्रेम तेरे अंदर नहीं है। ये जो गहरा संबंध है हम समझना चाहिए, क्यों? हम बहुत ऊपरी तौर से जी रहे हैं, हमको प्रभु का वचन का मालूम नहीं है। ये नया जन्म कितना महत्वपूर्ण है कि उसके द्वारा ही हमको ये 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 सुप्रीति का अनुग्रह मिलता है, ये अनुग्रह है। और कैसा मालूम पड़ता है कि हमारा नया जन्म हुआ? कि हम एक दूसरा का प्रेम करते हैं। एक दूसरा का प्रेम नहीं करते हैं तो कोई मुंह खोल के बोल ही नहीं सकता है मेरा नया जन्म हुआ, वह मैं परमेश्वर का भी प्रेम करता हूँ, कुछ नहीं। भाई बहनों, हम धोखा नहीं खाएंगे, धोखा नहीं कहेंगे। क्यों? आज तक जो चल रहे है वो धर्म है, ताली बजाने का धर्म है, गाना करने का धर्म है, ऐसा कैसा? क्यों? सुप्रीति ए निस्वार्थी है। स्वार्थ क्या है? स्वार्थ है स्वयं। जब भी हम हमारा स्वयं जिंदा है अंदर, हम दूसरा का निस्वार्थी प्रेम नहीं कर सकते। और इसलिए अंत में हम किसका प्रेम करते हैं? सिर्फ हमारा परिवार का, वो जो हमारा प्रेम करता है उनका। प्रभु बोलता है अविश्वासी लोग भी वही करते हैं, क्या बड़ी बात है भाई। ये मुद्दे पर तुम्हारा जीवन जांचो, तुम्हारा प्रेम किसी के ओर, सुप्रीति दूसरे के ओर, वो निस्वार्थी है क्या? वो मतलबी है? इसके और बहुत मनन करना जरूरी है, तभी तुमको मालूम पड़ेगा मेरा नया जन्म हुआ वो नहीं हुआ। आज हम लोग सब खुद का ही देखभाल करते हैं,
खुद का ही प्रेम करते हैं, परिवार का, बच्चों का, ये वो, हमारा चाचा, ये गांव उधर, ये है, माँ है, उसको मिलने का है, उसको ये करने का है, ये तो कोई भी करता है, सब अविश्वासी करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन हम निस्वार्थी तौर से सुप्रीति करने के लिए, जिसके द्वारा हमको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, हम ऐसा करेंगे क्या? जैसा बला समरीता, गुड समैरिटन, प्रभु को क्या मिलता था उसके बारे में? आज तो नाम रखता है गुड समैरिटन मिनिस्ट्री, पैसा आता है बाहर से, अर्धा उनका किस्सा में जाते हैं, ये स्वार्थी प्रेम है। बड़ा बड़ा मिनिस्ट्री चलाते हैं उधर का, बाहर का पैसा से, वो क्या प्रेम है? ये स्वार्थी प्रेम है, ये कोई मिनिस्ट्री नहीं है, ये धंधा है। तो भाई बहनों, उसके बाद हम पढ़ेंगे 1 पत्रस 2:22-23। हम पढ़ेंगे 1 पत्रस 1:22-23। जबकि तुम भाईचारे के निष्कपट सुप्रीति के लिए सत्य का पालन करके अपनी आत्माओं को पवित्र किया है, तो हृदय की सच्ची लगन के साथ एक दूसरे से सुप्रीति करो, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं वरन अविनाशी बीज से, अर्थात परमेश्वर के जीवित तथा अटल वचन द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। देखो भाई बहनों, हमारा नया जन्म परमेश्वर का वचन के द्वारा हुआ है, और वचन परमेश्वर का वचन है एक बीज जिसके द्वारा हमारा नया जन्म होता है। तो इसके लिए हमारा प्रेम हमारा भाई बहनों के की ओर इतना आग से भरा हुआ है, लगन से भरा होना मांगते हैं। तो मतलब ये इतना ही तुमको बताने के लिए कि सही नया जन्म का जरूरी है, ताकि ये सुप्रीति का जो 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 अनुग्रह है हमको मिले। ये नहीं मिला तो इसका मतलब है हमारा सही नया जन्म नहीं हुआ, ये महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर का जो योजना है उसमें, क्यों? क्यों परमेश्वर सुप्रीति है। जब भी हमको वो उसका स्वभाव हमारा नया जन्म का समय हमको देता है, उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव सुप्रीति है। और जब भी हमारा अंदर वो ही नहीं है तो उसका मतलब क्या है? जो परमेश्वर का महत्वपूर्ण स्वभाव हमारे अंदर नहीं आता है, जब भी हम हमारा नया जन्म होता है तो भी नया जन्म का मतलब ही नहीं है। इसके और मनन करो भाई बहनों। क्यों हमारा नया जन्म हुआ? जैसे मैंने बोला, ये दिखाना और साबित करना ये सुप्रीति का जीवन का बहुत 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 आवश्यक है। ओके, योहन्ना 15:12-13 पढ़ेंगे। जॉन 15:12-13 मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे सुप्रीति किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से सुप्रीति करो। इससे महान सुप्रीति और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। 1 जॉन 5:16 पढ़ के,
हम सुप्रीति को इससे जानते हैं कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, अतः हमें भी भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। शलोम। देखो भाई बहनों, ये सुप्रीति का जो सार है वो क्या है कि हम हमारा भाई बहनों के लिए हम जान दे। प्रभु बोलता है जैसा मैंने जान दिया वैसा तुम भी जान दो। ये सुप्रीति है। अभी हम कैसा जान देंगे? ये जान शारीरिक मौत नहीं है। तो क्या मौत है? हमारा स्वयं का मौत है। जिधर इसके द्वारा हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है व्हाट वी पोजेस, हमारा जो ये है पोजेशंस, क्या बोलते हैं, संपत्ति है, हमारा टैलेंट है, गुण है, हमारा हुनर है, ये सब हम हमारा भाई बहनों के ओर उपलब्ध करने के लिए तैयार है। हम ऐसा मदद करने के लिए तैयार है। इतना तक हमारा परमेश्वर ने नया जन्म के द्वारा हमको नया दिल दिया। ये नया दिल में स्वार्थ नहीं है, स्वयं नहीं है, लेकिन दूसरों लोगों के ओर सुप्रीति है, जैसा प्रभु यीशु का दिल में था। भाई बहनों, ये बातों के द्वारा एक अच्छा ये हो जाएगा, मौका मिलेगा हमको, हम सचमुच नया जन्म पाया वो नहीं है। क्यों? हमारा जीवन में हम इतना स्वार्थ दिखाते हैं, मेरा जीवन के बारे में, मेरा भलाई के बारे में, ये सब जो करता हूँ मेरा बढ़ोतरी होना चाहिए, मेरा फायदा होना चाहिए, मेरा कल्याण होना चाहिए, मेरा मैं। तो जूना मनुष्य कभी मरा क्रूस के ऊपर? मरा ही नहीं। वैसा का वैसा ही है कि दिन रात हम खुद का सोचते हैं। तो जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया वैसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। और एक बात है कि ये जो सुप्रीति है वो हमारा इच्छा के अंदर है। ये सुप्रीति जो इमोशंस है, भावना है, उसके ऊपर नहीं है। और हमारा जो शारीरिक जो देह है उसमें भी नहीं है। ये एक इच्छा का निर्णय है, मैं ऐसा करना चाहता हूं। उसके बाद पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है और हमको अनुग्रह देता है ऐसा होने के लिए। लेकिन पहला हम लोगों ने ये निर्णय, इच्छा का निर्णय, उसमें कोई ये नहीं है, भावना नहीं, अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा, मुझे रोने को आया, मुझे खुश हुआ है। मैंने निर्णय किया दिल से, मेरा इच्छा का, कि मुझे ऐसा दूसरे लोगों के और सुप्रीति करना है जिसमें कोई मतलब नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तो भाई बहनों, और एक मुद्दा है जो मैं तुमको सिखाना चाहता हूं। हमारा सही उदार हुआ तो, सही नया जन्म हुआ तो, और सुप्रीति का अनुग्रह
परमेश्वर ने हमको दिया तो हम क्या करना है। प्रभु का वचन साफ साफ बोलता है कि हमारा नया जन्म का समय पवित्र आत्मा हमारे अंदर सुप्रीति उंडालता है, लेकिन उंडालने के बाद उसका खेती बाड़ी करना है। आप जानते हैं प्रभु का वचन बोलता है फिलिपी 2:12 कि तुम्हारा खुद का उदार का खेती बाड़ी करो बे और कमते हुए। आज क्या कर रहे, क्या हो रहा है? आज हम खुद का उदार का खेती बाड़ी नहीं कर रहे, दूसरा सब लोगों का उदार का खेती बाड़ी करते हैं। वो कैसा है, वो कैसा है, वो क्या करता है, वो क्या है, उसका कमजोरी क्या है, उसका पाप क्या है, वो क्यों ऐसा करता है, वो क्यों ऐसा करता है, हमको बिल्कुल दूसरा लोगों का पड़ा है, खुद का कुछ नहीं। और प्रभु का वचन बोलता है तुम्हारा खुद का उदार का करो। देखो भाई बहनों, हम जब भी हमारा खुद का उदार में उदार का काम के और हम वेस्ट नहीं रहेंगे तो हम सब दूसरा लोगों का न्याय करते रहेंगे। वो क्या करता है, वो ऐसा क्यों नहीं किया। भाई बहनों, दूसरों लोगों ने गलत किया तो हम गलत करेंगे क्या? ये कौन सा सिद्धांत है? तो हम भी कर सकते। अरे तू जो परमेश्वर का वचन बोलता है वो तू करो ना। दूसरा लोग कोई भी भाई, कोई भी पिताजी भी। पौलुस बोलता है मैं अभी तक संपूर्ण नहीं बना, मैंने कभी बोला मैं संपूर्ण बन गया? शायद यहाँ वहाँ मैं भी चुकता हूँ, मैं भी कभी कभी मेरा गलती होता है। वो पकड़ के हम बैठेंगे और मेरे और गुस्सा करेंगे और मेरा नफरत करेंगे, वो कोई भाई बहन का नफरत करेंगे। ये अविश्वासी लोग बोलते हैं, पति पत्नी को बोलते हैं तू इतना सालों से उधर जा रहे, तेरा जीवन क्यों नहीं बदलता है? वो उसका जीवन के बारे में देख रहे, खुद का जीवन के बारे में नहीं है। तो भाई बहनों, हमारा जो सुप्रीति का जीवन है, ये सुप्रीति का फल है, वो उसका खेती बाड़ी हम कैसा करेंगे? एक बार हमारा नया जन्म होने के बाद प्रभु का वचन हमको कई मुद्दे देता है, थोड़ा वचन देता है। 2 तिमोथी 2:3 पढ़ेंगे। 2 तिमोथियों 2:3 मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। ओके, ये पहला उदाहरण है। दूसरा है 5 इसी प्रकार जब अखाड़े में जाने वाला पहलवान यदि विधि के अनुसार न लड़े तो वह पुरस्कार नहीं पाता। ओके, तीसरा पक्षे परिश्रम किसान को ही सबसे पहले उपज का भाग मिलना चाहिए। शे और 16 पद 15 अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य ऐसा कार्य करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर जिससे लज्जित होना ना पड़े और जो सत्य के वचन को ठीक ठीक काम में लाए। इसका मतलब क्या है भाई बहनों, कि जो खेती बाड़ी करना हमको परमेश्वर बोलता है वो आसान नहीं है। एक जो सैनिक है उसका जीवन आसान नहीं है, उसको लड़ाई करना पड़ता है। एक जो स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी है, उसका जीवन कठिन है, उसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए, क्रिकेट का, फुटबॉल का और दूसरा कोई जो है। तीसरा उदाहरण दिया किसान का, बेचारा उसको ये बोने के लिए और उसका देखभाल करने के लिए कितना तकलीफ है।
और प्रभु का वचन बोलता है कि वैसा ही तुम लोग ये जो फल तुमको मिला पवित्र आत्मा ने दिया वो आगे बढ़ने के लिए उसमें मजबूत बनने के लिए तुम उसका भी देखभाल करो। ये तुम्हारा उदार का काम है, उदार और कुछ नहीं है, सुप्रीति में बढ़ना। मैं प्रचार अच्छा से करेगा, मैं गाना अच्छा से करेगा, मैं और अच्छा से सुसमाचार प्रचार कुछ करो मत, ये तुम्हारा उदार नहीं। तुम्हारा उदार एक ही है कि तुम सुप्रीति का जीवन जी रहे। जिधर सुप्रीति है वहां सब कुछ है, उधर प्रचार है, ये है, गाना है, बजाना है, सुसमाचार है। क्यों? ये सब हम कौन सा मन से, कौन सा रवैया से, कौन सा दिल से करेंगे? सुप्रीति का दिल से। उसमें कोई स्वयं नहीं, कोई ये नहीं है क्या दिखावा नहीं है, उधर कोई बाजी नहीं है, शोबाजी नहीं है। सब लोगों को शोबाजी अच्छा लगता है, काटो खाओ। तो प्रभु का वचन बोलते हैं ये गलती मत करना, उसमें हार्ड काम रहेगा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुमको मदद करेगा। डरना मत, ये बहाना मत दो बहुत कठिन है, बहुत ये है। तुम्हारा सचमुच नया जन्म हुआ और तुमको ये अनुग्रह मिला सुप्रीति का, तो बे और कमते हुए कि ये तुम ना खोए, इसलिए तुम आगे बढ़ना है। ना तो शैतान आकर तुमको स्वयं का बातें, दूसरी नौकरी चाहिए, और पैसा का ये चाहिए, क्या प्रमोशन चाहिए, ये चाहिए, और घर ये करने का है, वो ये कर, हमारा दिल में यही रहेगा। और इसका मतलब रहता है कि ऐसा लोगों का नया जन्म नहीं हुआ। नया जन्म हुआ लोग दूसरा लोगों का क्या बढ़ोती कर सकता हूँ मैं, उनको कैसा मदद कर सकता हूँ मैं। तो ऐसा क्यों होता है भाई बहनों, क्यों आजकल सही नया जन्म किधर है? सब लोग दावा करते हैं नया जन्म हुआ, लेकिन ऐसा जीवन देखा है क्या तुमने कभी? ओके, तो ठीक है। तो प्रभु का वचन बोलता है कि पहला हम परमेश्वर का ये रवैया से हम अभी ये काम करना है। पहला काम है परमेश्वर का जो शब्द है, वचन है, वो पूरा लगाव से लवलीन और हार्डवर्क परिश्रम के साथ बे और कमते हुए ऐसा परमेश्वर का वचन का स्टडी करो ना, पढ़ाई करो। कौन करते है? जिनका नया जन्म हुआ ये लोग ज्यादा समय बिताएंगे, प्रेम से, बहुत इंटरेस्ट से, दिलचस्प से करेंगे। दूसरा लोग थोड़ा पिताजी को प्रसन्न करने गए, उनका जो मतलब है और ये है वो गलत है, प्रभु को वो प्रसन्न नहीं है। और तुम जानते हैं ओशिया 4:6-7 परमेश्वर ने क्या बोला कि वचन का अज्ञानता के वजह ही मेरा सब लोग मर रहे, नाश हो रहे, और मैं प्रसन्न नहीं हूँ, मैं उनको नकार देगा उनका बच्चों के तक। इतना परमेश्वर का वचन का पढ़ाई करना, सीखना जरूरी है, ताकि वचन का शक्ति के द्वारा हमारा सुप्रीति का जीवन आगे बढ़े। उसके ऊपर दूसरा कदम है कि पवित्र आत्मा का सौभाग्यता। देखो भाई बहनों, सचमुच बोलेगा तो ये प्रार्थना का मुद्दा है। मैं उसको प्रार्थना नहीं बोलता हूँ, क्यों? बहुत लोग प्रार्थना किया है समझा नहीं, तू प्रार्थना में जाता है ना, तू ये क्या है प्रार्थना? भाई बहनों, प्रभु यीशु का जीवन में देखो, उसके लिए प्रार्थना का मतलब क्या था? सुबह सुबह वो प्रार्थना करने के लिए नहीं जाता था, वो उसका पिताजी को मिलने के लिए जाता था।
उसके साथ बात करने के लिए, और बात से ज्यादा वो पिता का सुनने के लिए जाता था, वो क्या बोलना चाहता है, मैं क्या करूं। ये काम भाई बहनों आज पवित्र आत्मा का इसके द्वारा होता है, हमारा संगति के द्वारा, घनिष्ठ संगति, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, परमेश्वर क्या चाहता है, उसका इच्छा क्या है, ये सब कुछ पवित्र आत्मा हमको ये करता है। तो इसलिए हमारा संगति पवित्र आत्मा के साथ होना चाहिए। गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, उठते उठते पहला गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। वो होली स्पिरिट हमको पिताजी के पास भी लेके जाता है और प्रभु यीशु मसीह के पास भी, ये काम उसको सौंप दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। तो भाई बहनों, हमारा प्रार्थना का जीवन बहुत मजबूत होना चाहिए, और हमारा तरीका नमूना प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद हमारा संगति जो नया जन्म हुआ ऐसा प्रभु का शिष्यों के साथ होना चाहिए। देखो भाई बहनों, हमको बहुत बार एक ऐसा ये आता है, हमारा कंपनी क्या है, हमारा घर का लोग ये कौन सा विश्वासी है, उनके साथ संगति रख के क्या फायदा है। नहीं, मुझे भाई को मिलने का था, बहन को मिलने का था, इसको काय के लिए, उनका उद्धार भी नहीं हुआ। लेकिन हम कभी ऐसे नहीं बोलेंगे, मुझे जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं ना, वो बहुत मुझे अच्छा लगता है, मैं उनके साथ जाऊंगा, मैं उनके साथ थोड़ा एक दिन बिताऊंगा, हम सब लोग मिल के जाएंगे। नहीं, मेरा परिवार के साथ जाने गए, परिवार को मिलने के लिए, ये क्या ये है, मन है क्या, दिल है। भाई बहनों, जिनका नया जन्म हुआ ये लोग कलीसिय है, ये लोग प्रभु यीशु मसीह का देह है, ये लोग आत्मिक परिवार है। शारीरिक परिवार को लेकर हम उनके साथ ज़्यादा संबंध मजबूत करके हमको क्या फ़ायदा मिलता है, उनको प्रसन्न करने का क्या जरूरी है, उनको सिर्फ उधार का जरूरी है। तो भाई बहनों, इसमें ये पाप में गिरना मत कि हम जो हमारा अविश्वासी दोस्त है उनके साथ संगति, उनके साथ बाहर जाना, हमारा अविश्वासी जो ये है उनके साथ समय बिताना, परिवार है। ओके, उसके बाद भाई बहनों, इसमें एक एग्जाम्पल है दाऊद का। दाऊद ने 5 सुरसुरित फतर, क्या बोलते हैं उसको, स्मूथ, अगर हिंदी डिक्शनरी में बोलते हैं चिकना, ऐसा फतर उसने चुना गुलियत के साथ लड़ाई करने के लिए। क्यों? क्यों? वो जानता था कि ये दूसरा जो पत्थर है जो बहुत रफ है उसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, गोलियत को नहीं लगेगा। लेकिन ये जो चिकना जो पत्थर है वो बराबर तीर बराबर लगेगा और कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये पत्थर चिकना कैसा हो गया, ये उधर नदी में थे, नदी क्या दर्शाता है, पानी, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन के द्वारा हम बहुत शुद्ध होते हैं और हमको बहुत ये मिलता है, परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है। दूसरी बात क्या है, जब भी हम प्रभु के लोगों के साथ जो नया जन्म पाए हुए उनके साथ क्या होता है, जितना हम उनके साथ इंटरेक्शन करता है, कभी कभी गड़बड़ होता है, ये होता है, वहाँ हमको एक ये मिलता है, मौका मिलता है क्षमा मांगने के लिए, क्षमा करने के लिए, थोड़ा हमारा धीराज में बढ़ने के लिए,
क्यों अलग अलग तरीका का नया जन्म पाए हुए लोग भी मिलता है, जो कमज़ोर है ये अभी तक आत्मिक तौर से बड़ा नहीं, तो उनके साथ हमको थोड़ा धीराज रखना पड़ता है। ये सब कुछ हम सीखते हैं और क्या होता है, हम भी चिकना होता है इस संगति के द्वारा, और ये जरूरी है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को जब भी ये चाहिए, उसका काम के लिए कामदार चाहिए, और क्या बोलते हैं उसको, मजदूर चाहिए, वो उधर ही जाएगा। जो लोग परमेश्वर का वचन में व्यस्त थे और उनका संगति जो नया जन्म पाए हुए लोगों के साथ है कि भाई मैंने उधर हमारा जो स्वभाव है वो थोड़ा अच्छा हो सकता है, बदल सकता है, और हमारा जो रफ जो है वो हम ये कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और एक कदम है, सबमिट टू डिसिप्लिन, अनुशासन का जरूरी है भाई बहनों हमारा जीवन में, पर्सनल व्यक्तिगत तौर से। अभी ये हमारा जीवन व्यवस्थित है क्या? हमने कभी एक ये किया, एक प्लान बनाया, कितना बजे हम उठते हैं, कितना बजे हम प्रार्थना का हमारा समय है, वो हमको कोई ये नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। इसका मतलब क्या है, हम कैसा आत्मिक तौर से बढ़ेंगे? हमारा नया जन्म हुआ है क्या? हमको प्रभु का वचन का एक ये है, भूख प्यास है, प्रभु यीशु को मिलने के लिए भूख प्यास है। इसका मतलब हमारा नया जन्म हुआ ही नहीं है, हम सिर्फ दिमाग का विश्वास किया प्रभु के ओर, लेकिन वो उतरा नहीं है, और ये दिल का विश्वास नहीं हुआ। दिल का विश्वास किया है सुप्रीति, दिल का विश्वास सुप्रीति है। तो भाई बहनों, ऐसा करके हम हमारा दिल जांचना है और कितना हमारा हम तैयार है बलिदान करने के लिए, अनुशासन का जीवन जीने के लिए, और उसके बाद है परमेश्वर का ये अनुशासन है, जैसा हम देखा है योहन्ना 15 में उधर दिखा है कि परमेश्वर बोलता है जो फल नहीं देता है उसको मैं चाटता हूँ। परमेश्वर हमको ये करता है, अनुशासन देता है। और बाद में इब्रानी 12 का 6 में उधर लिखा है कि परमेश्वर हमारा प्रेम करता है, इसलिए वो भी हमको चाटता है। हमको डिसिप्लिन नहीं चाहिए, हमको गुस्सा आता है, कोई हमको बोलने का नहीं है कि तुम्हारा जीवन में कुछ तो गलत है। क्यों? बेसिकली इसका मूल ये है कि ये जो स्वयं है वो क्रूस के ऊपर चढ़ाया नहीं है, और ये भाई और बहन का उद्धार हुआ ही नहीं। दूसरा लोग क्या करते हैं, उनको कुछ बताए ही है ना, ये खुश होते हैं, बोलते धन्यवाद भाई आपने ये मुझे बताया, ना मुझे कभी मालूम ही नहीं पड़ता था। ना तो हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत गुस्सा होता है, तो मुझे मेरा बहुत ये करता है, मुझे ये लोगों का नया जन्म नहीं हुआ है, इनका स्वयं को ये लोग बढ़ाना चाहते हैं। भीतर अभी भी अंदर ये है, स्वयं है, और उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसको क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहते हैं दिन प्रतिदिन। तो इसका बहुत जरूरी है हम सुप्रीति का जीवन आगे बढ़ाने के लिए। और बाद में कलीसिया का भी ये है, अनुशासन है, थोड़ा नियम है, हमारा भलाई के लिए है। ये नियम पालने से तुम्हारा नया जन्म नहीं होता है, लेकिन नया जन्म होने के लिए उसका बहुत फायदा मिलता है, और बढ़ोतरी होने के लिए भी फायदा मिलता है, और हमारा स्वयं मरता है इसलिए। और लास्ट 2 तिमोथी 2:1 पढ़ेंगे, 2 तिमोथियों 2:1, इसलिए हे मेरे पुत्र उस अनुग्रह में जो मसीह यीशु में है बलवंत हो। परमेश्वर का अनुग्रह में बलवंत हो, परमेश्वर का अनुग्रह का बिना
हम ये सब कदम नहीं उठा सकते हैं और सुप्रीति का जीवन बढ़ाने के लिए हमको कोई मदद नहीं होगा। परमेश्वर का अनुग्रह में मजबूत बनो, बलवंत बनो, उसको पकड़ो। प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ करके दिया है, कर चुका है, कलवारी में, क्रूस में। ये अनुग्रह हम स्वीकार कर सकते हैं हर एक बातों में। जिधर हमको लड़ाई करना है, ये लड़ाई है, हमारा आत्मिक जीवन लड़ाई है, सुप्रीति का जीवन लड़ाई है, और उसके लिए हमको शक्ति चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह का, पवित्र आत्मा का, शक्ति का। तो भाई बहनों, मेरा पहला सवाल था, ये दुनिया का ज्योति क्या है? भाई बहनों, आज हमारा अविश्वासी भाई बहन जो दिवाली मनाता है, उनका ज्योति क्या है? दिया। उनका ज्योति तो कम है, शोर ज़्यादा है, क्या फटक रही है? भाई बहनों, ये उनका उनका त्यौहार का एक डेफिनेशन है। दिवाली क्या है? दिवाली है दिया, दिवाली है स्पेशल खाना, स्पेशल स्वीट्स, स्पेशल कपड़े, स्पेशल, ये उनका डेफिनेशन है। हमारा हमारा दीपावली का डेफिनेशन क्या है? भाई बहनों, प्रभु का वचन हमको साफ साफ बोलता है कि ये लाइट, ये ज्योति तुम्हारा सुप्रीति है, कि सब लोग हमको पहचानेगा कि तुम मेरा शिष्य है। जब ही तुम्हारा जीवन सुप्रीति का है, मतलब क्या हो जाएगा? हम संसार का ज्योति बन जाएंगे। क्यों? ऐसा सुप्रीति का लोग ये दुनिया में है ही नहीं है, किधर ही भी। मुसलमान के पास नहीं है, ये लोग तो हिंसा का लोग है और नफरत का लोग है। आज कितना सारा मुसलमान मसीह बन रहे हैं। क्यों? जब भी ये लोग निर्वासित बन जाते हैं, यूरोप में जाता है, अमेरिका में जाता है, ये देखते हैं कि उधर का जो मसीह लोग है इतना उनका प्रेम करता है, इतना उनको मदद करता है, बोलता है हमने कभी देखा ही नहीं ऐसा जीवन हमारा मुसलमान देश में। इतना सारा लोग, बहुत। क्यों? ये गलत है। कुरान हिंदू लोगों का भी ऐसा ही है, उनका जीवन में कितना सारा पाप है, लेकिन दिवाली मनाते हैं। स्वभाव बदल जाता है क्या? नहीं है। स्वभाव बदल जाता है सिर्फ जब ही हम हमारा नया जन्म होता है, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और उसने जो क्रूस के ऊपर काम किया वो हम स्वीकार करने के लिए तैयार है, तभी हमारा जीवन बदल जाता है, तभी हमारा अंदर सुप्रीति का अनुग्रह हमारे हमको मिलता है, और ये सुप्रीति संसार का ज्योति बन सके। और दूसरा, हम कैसा ज्योति बन जाएंगे? तुम ये संसार का ज्योति है, कैसा? सुप्रीति का जीवन जियो, और देखो लोग अचंभित हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा, ऐसा लोग है क्या? हाँ, ये ज्योति है, ये हमारा यीशु दीपावली है। भाई बहनों, इन बातों में आप ध्यान रखना। ऐसा प्रभु का शिष्य बनने के लिए आप आपका इच्छा होने दो और आपका आपका एक ये होने दो, क्या कार्य होने दो, निर्णय होने दो। तुमको प्रभु आशीर्वाद दो। प्रभु यीशु मसीह, मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ इस संदेश के लिए कि आपने आपका पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मन खोल दिया, हमारा आँखें खोल दिया। प्रभु, किस तरीका का ज्योति, ये दुनिया का ज्योति हम बनना है, और आपने हमको नियुक्त किया है, चुना है। ये दूसरा सब दिवाली वेड थे, उसमें कुछ नहीं।
प्रभु यीशु मसीह। ये लोगों का उद्धार होने के लिए पहला हम लोग ज्योति बनना है, लेकिन ज्योति बनने के लिए हमारे पास ये निस्वार्थी प्रेम, ये शुद्ध प्रेम जो परमेश्वर का आपका ये स्वभाव है वो हमारे अंदर नहीं है। और वो स्वभाव हमको मिलने के लिए सुप्रीति का हमारा अभी तक नया जन्म नहीं हुआ है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज हर एक दिल को आप छुओ प्रभु, हर एक दिल को छुओ प्रभु, उनका घमंड बाजी में रखने के लिए उनको मदद करो प्रभु, और नम्रता से ये कबूल करने के लिए कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमारे अंदर कोई सुप्रीति नहीं है, हम अभी तक ये संसार का ज्योति नहीं है, हम दूसरा लोगों का जैसा है कि हमारे अंदर नफरत है, हमारा अंदर हम खोड़ी निकलते हैं, हम गॉसिपिंग करते हैं, हम कानाफूसी करते हैं, हर एक तरीका का दिल में नफरत हमारे अंदर है और अंधकार है। प्रभु हम सिर्फ आपका नाम लेते हैं ओंटों के ऊपर, लेकिन हमारा दिल हमारा जीवन बहुत दूर है आपसे। प्रभु ये संदेश के द्वारा, ये आपका पवित्र शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु हमारा मन को हिला दो प्रभु, हमारा दिल को हिला दो प्रभु, और ऐसा जीवन जीने के लिए एक निर्णय लेने के लिए हमको मदद करो, आपका अनुग्रह दो प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आप हमारा ज्योति है, और ये ज्योति हम सिर्फ आपसे पा सकते हैं, क्यों आप ज्योति है और आप एक एक सुप्रीति का एक सागर है। धन्यवाद, ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, आमेन।